तो लास्ट टाइम जो हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ ये मॉलिक्यूल की, उसमें ना कैपिटल एम यूज हो रहा है। और मैंने आपको भी बताया कि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है न्यूमेरिकल्स का, वो मास को लेके रहता है। किसी भी न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि मास कौन सा है। जब तो आरएमएस की बात हो रही हो तो कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास यूज करना है, बताया मैंने। अगर मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करना हो तो वो छोटे एम से रिप्रेजेंट करना है, ये भी बताया मैंने। और अगर गैस का मास रिप्रेजेंट करना हो ना, तो वो छोटे एम की कैटेगरी में, ना वो बड़े एम की कैटेगरी, ना वो मॉलिक्यूलर मास होता है गैस का मास। अगर मैं बोलूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने 15 ग्राम ली है, भाई 15 ग्राम किस खाते में जाएगा? छोटा एम यूज करता हूँ तो मॉलिक्यूल का मास है, बड़ा एम यूज करता हूँ तो मॉलिक्यूलर मास है। तो वो कौन सा मास है? एम डैश है, जो पुट करना कर लेना। मैंने अपनी शीट में, मैं अपना बता देता हूँ मुझे कन्फ्यूजन ना हो, मैंने अगर मुझे गैस का मास कहा गया ना, 15 ग्राम गैस का मास है, तो मैं तो उसको यही लेता हूँ मास 15 ग्राम। मैं कन्फ्यूजन जहां मैंने मास लिख दिया ना मेरे असाइनमेंट में, वो तो मतलब गैस का मास है। जहां कैपिटल एम लिख दिया ना, वो मॉलिक्यूलर मास है, और जहां छोटा एम लिख दिया वो मॉलिक्यूल का मास है। सही हो गया ना? ये मेरी, मतलब ये मेरी लैंग्वेज है, ताकि मेरे को देखते समझ में आए अपने असाइनमेंट की मैंने क्या पुट किया है, राइट? हर ऑथर की अपनी होगी, और बहुत सारे ऑथर ऐसा नहीं करते, बहुत सारे ऑथर यही करते हैं। अब वो भी क्या करें, मास का सिंबल तो एम है, अब वो स्टूडेंट भी उसको एम को फॉलो करता है, क्योंकि वो केमिस्ट्री में एम लिख रहा है, वो फिजिक्स में भी एम लिखता आ रहा है। जब वो एम लिखता है, जहां गैस का मास है वहां मॉलिक्यूल का मास है, उसको कैंसिल कर बैठता है। या जब सोल्यूशन पढ़ता है कि वो कैसे करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, यार कौन सा मास है ये? तो ये एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने अपने असाइनमेंट के अंदर ये फॉर्मेट यूज किया है। आप जो मर्जी यूज करें, आपकी मर्जी है, पर लेकिन जब आप क्वेश्चन करें तो प्लीज ध्यान से देखें कि मास गिवन कौन सा है, ठीक है? पहली प्रॉब्लम है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, वी सिंबल को लेके इस चैप्टर में, क्योंकि वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर आरएमएस वेलोसिटी, उसका तो इलाज है। वी के पैर में आरएमएस डाल दो, जहां जहां वेलोसिटी है वो आरएमएस होती है। अगर नहीं, तो काफी बुक्स वी आरएमएस नहीं डालती, उसके ऊपर बार डालती हैं। आपने देखा होगा जब हमने एवरेज प्रेशर निकाला था, तभी मैंने हर जगह बार डाला था। किसी ने पूछा भी, सर बार क्यों डाला हुआ है? वो इसलिए ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं, ये मीन वेलोसिटी है और वी फॉर वॉल्यूम होता है। इसमें तो कंफ्यूजन रहती नहीं है, ठीक हो गया? तो मास की कंफ्यूजन दूर कर दी मैंने, वॉल्यूम और वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट कर दिया। अंदर कुछ नहीं, चैप्टर में यही हेर फेर है, दिखाता हूँ कैसे। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, इसके बेस पे फिर हमने डेरिवेशन ऑफ जो लॉज हैं वो मैंने मना की थी, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ आरएमएस के ऊपर न्यूमेरिकल्स थे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स एवरेज प्रेशर को लेके थे, वो भी हमने डिस्कस किए थे। यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यहां तक किया था। आज हमने क्या करना है, मीन फ्री पाथ। तो मास की कंफ्यूजन तो दूर होती है,